पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर यह साबित हो जाता है कि टीएमसी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया था तो वह इस्तीफा दे देंगी। राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत में ममता ने कहा कि मेरी पार्टी का नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ही रहेगा। मालूम हो कि बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को दावा किया था कि चुनाव आयोग के टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रद्द करने के बाद ममता ने अमित शाह को फ़ोन किया था। ममता ने उनसे इस फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया था। चुनाव आयोग ने इसी महीने टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना है। टीएमसी अब राज्य स्तर की पार्टी है। ममता ने कहा कि बीजेपी सत्ता में है इसलिए जो चाहे करती है, लेकिन वे ये नहीं समझते कि सत्ता अस्थाई होती है, कुर्सी आ जा सकती है, लेकिन लोकतंत्र हमेशा कायम रहेगा, संविधान हमेशा के लिए जारी रहेगा। इसमें कुछ संशोधन हो सकते हैं, लेकिन इस संविधान पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए वे बीजेपी आगामी 2024 को लोकसभा चुनाव नहीं जीतेंगे। बीजेपी को 200 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।